संगमेल साबित होगा। प्रॉमिस ऑफ पीस के तहत कराची में कोरंगी रोड पर तामीर किए जाने वाले पुलिस सहूलत सेंटर का सीपीएलसी के चीफ जुबैर हबीब की कयादत में एक वफ ने दौरा किया। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमांडेंट मकसूद मेमन ने इनको सहूलत सेंटर के मुख्तलिफ काउंटर्स दिखाए, जिस पर वफ ने इनकी काविशों को सराहा। सीपीएलसी के चीफ जुबैर हबीब का कहना था कि शहरियों को बेशुमार मुश्किलात का सामना है और इस सहूलत सेंटर में सीपीएलसी का भी एक नुमाइंदा मौजूद रहेगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लोगों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि पुलिस और शहरी जब एक काम खुलूस नीयत से करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि वो सक्सेसफुल ना हो। तो मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं मकसूद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनको ये यकीन दिलाने करता हूँ कि हमारी तरफ से जो है ना कहीं कोताही नहीं होगी, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हुए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मकसूद मेमन का कहना था कि बजट मंजूर हो चुका है और अब ये सहूलत सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में कायम होंगे और फिर इसका दायरा पूरे सिंध तक फैलाया जाएगा। हमारा प्लान है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक फैसिलिटेशन सेंटर हो, जैसे 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका प्लान है, उसका बजट अप्रूव हुआ हुआ है और उस पर काम चल रहा है। उसकी बिल्डिंग जीरो से खड़ी करनी है, ये एक बनी बनाई बिल्डिंग थी, इसको हमें जल्दी बनाने में आसानी हुई। जब कराची हो जाएगा तो इंटीग्रेशन में भी इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में हम कोशिश करेंगे कि इसको हम आगे लेके जाएँ और इसको उन प्रोफेशनल से कराएँ जो के इसके लिए एक्सपर्ट हैं और जो इस काम के लिए ट्रेन किए गए हैं। कमांडेंट एसएसयू एसएसपी मकसूद मेमन ने बताया कि थानों में कंप्यूटराइज सिस्टम न होने के बायस हर थाने में एक एहलकार भी तैनात किया जाएगा। वो टीडिंग प्रॉब्लम्स मैंने कहा ना कि शुरू में होगी हमें, और उसमें हो सकता है कि हर थाने में हमें अपना एक रैप बिठाना पड़े जो यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है वहीं पे डील करे और थाने के जो कोऑर्डिनेशन के साथ वो हमारे एक अफसर जो है हमें वहाँ से रिस्पॉन्स दे, ताकि थाने बाकी क्राइम फाइट करता रहे। जो बाकी जो बेसिक नीड्स हैं पब्लिक की, कैरेक्टर वेरीफिकेशन है या मिसिंग डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट है, मिसिंग चाइल्ड की रिपोर्ट है, वो एटलीस्ट दे कैन वॉक इन और उनको हेल्प कर सकें। लीगल काउंसलिंग है या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटीज़ के थ्रू उनकी यहाँ पर हम एप्लीकेशन ले सकें और उसको हम हेल्प कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि इस सहूलत सेंटर में पहले मरहले में बराए रास्त महकमा पुलिस से वाबस्ता मसाइल को हल किया जाएगा और दूसरे मरहले में दीगर महकमा जात से मुतालिक सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ समीर कुरैशी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची।